Hello students, how are you? I hope that you all have been working hard with your books. Okay. In this video today, we are going to know about the very interesting story of Mr. Rabindranath Tagore, R.N. Tagore, The Homecoming, Ghar Vapsi. बहुत ही मज़ेदार एक लेसन है प्रोज में, जिसके बारे में हम पढ़ें. आज इस वीडियो में हम इसकी समरी समझेंगे, इसकी कहानी को समझेंगे. बड़ी मज़ेदार, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ही इमोशनल कहानी है. इस कहानी का जो हीरो है, जो मुख्य पार्ट है, वो है पथिक नाम का एक कैरेक्टर है. एक बच्चा है छोटा सा, 10-12 साल का. वो अपने गांव में रहता है अपनी माँ के साथ. उसका छोटा भाई माखन है, उसकी फैमिली है. बट गरीब परिवार है, कमियाँ हैं परिवार में. खाने पीने की दिक्कत है, पढ़ाई के लिए दिक्कत है, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, घर में अच्छी सुविधा नहीं है, पिता है नहीं उसका. तो माँ बड़ी मुश्किल से उन बच्चों को पाल रही है. लेकिन पथिक बहुत ही शैतान बच्चा है. सॉरी, मुझे लगता है शरारती कहना चाहिए. शैतान थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, थोड़ा सा नेगेटिवली साउंड करता है ना, नेगेटिव इफेक्ट है इसमें. तो वो दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, लीडर की तरह अपने दोस्तों के साथ रहता है, बड़ा इन्जॉय करता है, पूरे दिन मस्ती करता है अपने भाई के साथ. लेकिन उसके छोटे भाई के साथ उसका 36 का आंकड़ा भी है. जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो माखन माँ के पास जाकर रोता है, और हमेशा 9 out of 10 टाइम्स ही वॉज बीटन वेरी वेरी क्रूअली बाय हिज मदर. उसकी माँ से पीटती बहुत बुरी तरीके से है, और बार बार कहती है कि तू कहीं चला क्यों नहीं जाता, तू बहुत परेशान करता, तेरी वजह से मेरा जीना हराम हो चुका है, नाक में दम हो चुका है, वगैरह वगैरह. जैसी कि माँ अक्सर हमारी इंडियन टिपिकल मदर्स हैं, वो बच्चों को इस तरीके से डांटती फटकारती हैं और कहती हैं. एक दिन की बात है, वो नदी किनारे एक लट्ठा है जो लगा हुआ किनारे पर, जहाँ जिससे पैर रख के लोग नाव वगैरह पर चढ़ते हैं. वो उसे दोस्तों के साथ सरका देता है और बड़ा इन्जॉय करते हैं इस तरह से वो लोग. माखन इस बात से नाराज़ होता है, वो कुछ और सोच रहा होता है. तो उनकी डांट पीट की होता है, उन्हें आपस में लड़ाई, और वो जाकर फिर शिकायत करता है मदर, फिर उसको पीटती. इस तरीके की कई कहानियाँ होती रहती. एक दिन खेलते खेलते एक सज्जन आते हैं, वहाँ उतरते हैं, और वो पूछते हैं चक्रवर्ती फैमिली में मुझे जाना है. तो उसे लगता है शायद जाने पहचाने हैं, लेकिन कुछ आइडिया नहीं. तो वो उन्हें अपने घर लेकर जाता है. जब वो घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसके मामा हैं, इनका नाम विशंबर है, जो बहुत साल पहले, काफ़ी साल पहले गांव छोड़कर कलकत्ता में सेटल हो गए. वहाँ शुरू में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, फिर बिजनेस किया, लेकिन बहुत अच्छा पैसा कमाया. अब भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर अच्छी तरह से रह रहे हैं. माँ बहुत खुश है, बहुत सेवा करती है, अपने भाई का बहुत सम्मान करती है. बात बात में ही कुछ ऐसी कहानी होती है कि वो अपना दुखड़ा लेके बैठ जाती है कि ये बाकी तो सब सही है, लेकिन ये जो बच्चा मेरा पथिक है, ये मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है. ये बात पथिक को बुरी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी मन में कलकत्ता जाने की है. तो मामा कहते ठीक है, मैं अपने साथ ले जाता हूँ, वैसे कुछ बनाऊँगा, पढ़ेगा, कुछ अच्छा बनेगा. जाते जाते बड़ा इमोशनल सीन है. जिस माखन से उसकी लड़ाई होती रहती थी, उसे जाते बड़ा बुरा लगता है. तो अपने खिलौने जैसे उसके कंचे हैं या उसका मछली पकड़ने का कांटा है, वो दे के जाता है एक पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर कि ठीक है साहब, अब हम जा रहे हैं. जैसे शादी तय होने के बाद लड़की जो होती है वो अपनी छोटी बहन को या छोटे भाई को अपना कमरा दे देती है शेयर करने के लिए. और जब वो जा रही होती है अपनी शादी में, तो कहती ठीक है बेटा, अब तुम इस कमरे पर तुम कब्जा कर लो, राज होगा आज के बाद, मैं तो चली, लेकिन जब भी मैं आऊँगी तो मुझे यहाँ पर जगह चाहिए. कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग समझ सकते हैं इसमें. तो इमोशनल सीन हो जाता है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है, ट्रेजडी आती है, जब पथिक वहाँ मामा के यहाँ पहुँचता है. उसका मामी का नेचर बहुत ही रूड है, और उसके प्रति उसका रवैया बहुत ही नकारात्मक है. वो लगातार उससे अपमानित करती है, पीड़ित करती है, उसे भूखा रखती है, उसे डांटती है, बार बार इंसल्ट करती है. फिर जब उस बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है, सेम कहानी वहाँ होती है. वहाँ टीचर हैं, जो हेडमास्टर हैं, वो उसे बहुत पनिश करते हैं, क्योंकि उसका काम नहीं हो पाता. वो घर में काम करता रहता है, अपनी मामी की हेल्प करता रहता है, तो पढ़ने का टाइम नहीं है, होमवर्क पूरा होने का टाइम नहीं है. तो वहाँ भी उसकी मारपीट हो रही, घर में उसे बहुत बेइज्जत किया जा रहा है, बहुत तकलीफ़ में होता है. वो बार बार अपने मामा से कहना चाहता है मामा गांव चलेंगे. तो एक ही सेंटेंस कहते हैं, वेट टिल द हॉलीडेज कम, बेटा इंतजार करो, छुट्टियाँ आएंगी तो चलते हैं. ये कहानी चलती रहती है. बच्चा बहुत उदास है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन मामा के पास अपने काम से वक्त नहीं है, अपने बिजनेस से, और मामी जानबूझकर उसको इरिटेट कर रही हैं. मामा के सामने शो नहीं होने देती कि इसके साथ क्या हो रहा है और वो क्या कर रही हैं.
एक दिन वो घर छोड़ के भाग जाता है, बहुत तकलीफ़ हो जाती है, पूरा दिन परेशान होते रहते हैं घर वाले। आखिर रात में कुछ लोग पुलिस के साथ उसके पास आते हैं, तो वो पूरा पानी बारिश में भीगा हुआ वो आता है, पसीने से वो पानी से भीगा हुआ है, बहुत तेज़ बुखार है उससे, बेहोशी की हालत में है। मामा डर जाता है, अपनी बहन को तार करता है, बच्चा आंखें नहीं खोल रहा है। एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, फिर उसकी मदर आती है तीसरे दिन शायद, तब तक तो वो वैसी बेहोशी में पड़ा हुआ है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, हालात इसके बहुत ख़राब हैं। तो ये बहुत ही ट्रेजिक एंड पर स्टोरी पहुँच रही होती है यहाँ पर, और मामा बहुत दुखी है, उसे अपने आप को कोस रहा है कि कौन सा वक्त था जब वो उसे लेकर आया, क्योंकि गाँव में वो बहुत अच्छे से रह रहा था। अब माँ बहुत दुखी है कि किस वक्त उसने कौन से बुरे समय में अपने भाई के पास इसे भेजा, ये कहकर कि इसने मेरा जीना हराम कर रखा। लेकिन जब माँ उसके सर पे हाथ रखती है तो आंखें खोल कर देखता है, अपनी माँ को देख के ही कहता है, हैव द हॉलीडेज कम, माँ क्या छुट्टियाँ आ चुकी हैं? क्योंकि उसे वही डायलॉग याद है कि उसके मामा अक्सर कहते हैं कि छुट्टियाँ आएंगी तब घर चलेंगे। तो माँ को देख कर उसे लगता है कि शायद उसकी छुट्टियाँ आ गई हैं। तो बड़ी इमोशनल एक सीक्वेंस पर कहानी ख़त्म होती है। बच्चों, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सीख है कि कोई भी बच्चा, वो कितना ही शरारती क्यों ना हो, शैतान क्यों ना हो, खुरापात क्यों ना करता हो, लेकिन अपने माँ बाप के बगैर पल नहीं सकता। उसे अपने माँ बाप की छांव चाहिए। और माँ बाप को भी समझना चाहिए कि कोई बच्चा कितना भी शरारती क्यों ना हो, कितना भी शैतानी कर रहा हो, वो कर इसलिए रहा है कि वो आपकी छांव में है, उससे आपका सहारा है। अपने से दूर अगर आप उसे करेंगे वो पनप नहीं पाएगा। मैं किसी चीज़ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं हॉस्टल लाइफ के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता, बच्चों को दूर बाहर पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं कहना चाहता। ये हम सबकी चॉइस है, हम सबका जो अच्छा लगता है हमें करना चाहिए। लेकिन हाँ, छोटे बच्चों को ख़ास तौर से मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है, इस पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, माँ बाप के साथ की बहुत ज़रूरत है। आप भी अपने माता पिता का साथ दें, उन्हें ऐसा एहसास ज़रूर कराएं कि आप उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, आप उनके साथ बहुत खुश हैं, और उनको खुश करने के लिए आप अच्छे से अच्छा करने के लिए तैयार हैं। जैसे मैं सब्जेक्ट को जोड़ रहा हूँ आज के जो क्राइसिस है, कि इस कोरोना वायरस के माहौल में जो बच्चे हमारे, आप लोग घर पर अच्छे से स्टडी शायद नहीं कर पा रहे हों, जो क्लासरूम में होती थी, या उतना आपको बाहर घूमने को खेलने को नहीं मिल पा रहा हो अपने माँ बाप की वजह से, क्योंकि वो आपकी केयर कर रहे हैं, आपका कंसर्न है उन्हें, वो नहीं चाहते कि आपको कुछ बुरा हो, इसलिए वो आपको रोकते हैं। उन्हें आपकी आज़ादी से कहीं कोई शिकायत नहीं, उनकी शिकायत है कि आपको ज़्यादा आज़ादी देकर कहीं वो आपका बुरा ना कर बैठे। इसी नोट पर इस कहानी को ख़त्म करेंगे। इसे बड़े पॉजिटिवली लीजिएगा, इस ग्रेट स्टोरी को। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। माँ बाप और बच्चे के बीच की बड़ी प्यारी सी कहानी, जिससे बहुत अच्छे सबक हमने लिए हैं और आप लोग भी इसे समझेंगे। और हो सके तो इस कहानी को, इसके वीडियो को अपने पेरेंट्स को भी शेयर करें, उन्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आर्यन टैगोर इस कहानी को किस तरह से आपके सामने पोर्ट्रेट कर रहे हैं और मैं किस तरह से आपके सामने उसे एक्सप्लेन करने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। कहानी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ना किया हो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड टाइम।